morning student, I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. Welcome to all students in our English class. Today we are going to start our lesson 7 and that is name is Winter and Scale. Okay, so let's start. When we will start this lesson, first of all we have to know about the lesson. Okay, so Richard Winter, wealthy merchant and later Lord Mayor of London. इसमें जो रिचर्ड वेलिंगटन जो हमारा करेक्टर है, ठीक है, वो एक बहुत ही वेल्दी मर्चेंट होता है, ठीक है, एंड लेटर वो क्या बन जाता है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ठीक है, बट उससे पहले की उसकी लाइफ जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी. द लेजेंड डिस्क्राइब्स हिज राइज फ्रॉम पॉवर्टी स्ट्रिकन चाइल्डहुड. बचपन से जो है वो किसमें उसी तरह में था, एक गरीबी के अंदर, ठीक है ना, तो कुछ टाइम तक बेटा वो गरीबी में भी जिया, बट आफ्टर दैट टाइम वो क्या हो गया, वेल्दी, है ना, अमीर हो गया, रिच पर्सन हो गया वो. सो विथ हिज फॉर्चून ही मेड थ्रू द सेल ऑफ हिज कैट टू अ रेड इन्फेस्टेड कंट्री. एक कंट्री होती है बेटा जिसके अंदर जो रेड ही रेड होती है बहुत ज्यादा, है ना, रेड परेशान करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके पास एक कैट होती है, उस कैट को वहां पर क्या कर देता है, बेच देता है, है ना, और फिर उससे ज्यादा उससे वो क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है. तो ये स्टोरी बेटा इस चीज के ऊपर है. सो लेट्स आवर स्टोरी कंटिन्यू. अ लॉन्ग टाइम अगो अ यंग ऑर्फन बॉय नेम रिचर्ड वेलिंगटन हेडेड अ लंदन टू ट्राई हिज फॉर्च्यून. कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक ऑर्फन एक अनाथ लड़का था जिसका नाम था रिचर्ड वेलिंगटन. ओके, होता है बेटा कि आपका मतलब कि आप फ्री में किसी भी व्हीकल पे जो है वो क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं. ओके, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, हिचहाइकिंग. ही डिड ऑड जॉब्स हियर एंड देयर एंड स्लेप्ट ऑन द पेवमेंट. ठीक है, तो वो बच्चा वो क्या करता था कि वर्क करता था, ठीक है, जो भी काम मिलता था वो करता था और वो पेवमेंट में ही सो जाता था. घर तो था नहीं इसके पास में, है ना, तो जो भी सड़क किनारे जो जगह होती है उसको हम पेमेंट कहते हैं, है ना, तो वो वहां पर सो जाता था. वन डे ही वाज सपोर्टेड बाय अ मर्चेंट. एक बार जो है एक मर्चेंट का ध्यान गया उसके ऊपर, व्यापारी का, मिस्टर फिट्ज़वेरियन हु गेव हिम वर्क एट हिज हाउस. अब उस मर्चेंट ने बेटा उनको क्या दिया, उसको काम दे दिया अपने घर पे. ओके, हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक एंड वेटर. अब उसका काम क्या था, रिचर्ड का वर्क क्या था, उसका रिचर्ड का ये वर्क था कि जो उनका कुक था, है ना, वो उसकी हेल्प करेगा कुक की और रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, ही रिसीव फूड एंड लॉजिंग. उसको रहने के लिए जगह मिलेगी और खाना मिलेगा. ओके, विंटर एंजॉयड वर्क बट ही फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम. अब विंटर जो है वो एंजॉय करता है अपने जॉब को, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी क्या आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम. देयर वर रैट्स इन द एटिक वेयर ही स्लेप्ट. अब जहां वो सोता था वहां ऊपर एटिक मींस क्या होता बेटा, अटारी, वहां पर क्या थे, रैट्स ही रैट्स थे. ओके, दे वुड कीप हिम अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट. रात भर वो ज्यादातर रात जो है वो रैट्स उसको जगाकर रखते थे, क्योंकि वो जहां सोता था वही रैट्स आ जाते थे. ही वुड बी टायर्ड एंड वेरी इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. अब वो इस सबसे परेशान हो गया और थक गया अगले सुबह. विंगटन डिसाइडेड टू गेट अ कैट. अब उसने सोचा कि इन रैट्स का इलाज तो कैसे क्या होगा, रेड का एनिमी कौन होता है, कैट. तो उसने सोचा कि अब कैट लाना पड़ेगा. As luck would have it, और जैसे कि उसका भाग्य ने उसका साथ दिया, the next day he came across a girl with a cat. अगले दिन वो एक ऐसी लड़की से मिला जिसके पास में क्या थी बेटा, कैट. He bought the cat for a penny. उसने एक पैनी के अंदर, पैनी इज अ प्राइस ऑफ द कैट, ठीक है ना, उस कैट की प्राइस थी. तो कहता है कि एक पैनी में उसने क्या खरीद लिया, कैट खरीद लिया. Winter slept soundly from then. उस दिन के बाद सब विंगटन आराम से सोता था. क्यों? क्योंकि जैसे ही रैट दिखता था कैट उसको मार देती थी. द कैट बिकम हिज ओनली फ्रेंड. अब एक कैट ही थी जो कि उसकी केवल एक दोस्त थी. विंगटन आल्सो लव्ड अ डे ड्रीम. अब विंगटन जो है वो दिन में सपने जो देखते हैं ना, उसको देखने में उसको बहुत पसंद था. ही वुड थिंक ऑफ अ फार लैंड. उस सपने में क्या देखता था कि कहीं दूर लैंड में, वेयर ही वुड गो एन एक्सपीडिशन विद हिज फेथफुल कैट, जो कि एक अभियान में जो है वो जाता है किसके साथ में, अपनी उस फेथफुल कैट के साथ. ही इमेजिन हिमसेल्फ एज अ नाइट. वो अपने आप को नाइट समझता है. नाइट कौन होता है बेटा, ब्रेव पर्सन, शूरवीर जो होते हैं, है ना, वो अपने आप को वो समझता है.
वो रीड द वर्ल्ड अफेयर्स, जो कि संसार में क्यों आया है, संसार में लोगों को है ना इससे छुटकारा दिलाने के लिए, रेड से चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ब्रेव पर्सन का जो है वो जन्म हुआ है, और वो कौन है, रिचर्ड। वो ये सपना देखता है, he saw three people cheering him, वो देखता है कि लोग जो है उसको चेयर कर रहे हैं उसको, है ना, चेयर मतलब क्या होता है बेटा, उसको उत्साह बढ़ा रहे हैं उसका। एंड किंग सैंडिंग नॉइस विथ प्रेजर इन ग्रेटिट्यूड, अब जो किंग है उसकी जो लोग है वो खुश है ना, रेड से छुटकारा मिल गया है, तो ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करने के लिए वो अपना मैसेंजर एनवॉइस क्या होता है बेटा, मैसेंजर को भेजता है किस चीज के साथ में, खजाने के साथ में, कि भाई जाओ और उस ब्रेव पर्सन को देख आओ। बट ऑल दीज थिंग्स वुड कम टू अ सडन एंड, लेकिन ये सारी चीजें जो सपना वो देख रहा है अचानक से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हेन ही वुड हियर द कुक शॉट, जब वो किसकी आवाज सुनता है, कुक की, ठीक है, क्या चिल्लाता है कुक, व्हेन चैन व्हाई आई वांट यू टू क्लीन द पोर्स, कहते मैं चाहता हूं कि तुम आओ और इन पोर्स को क्या करो, साफ करो। वेयर आर यू यू आइडल बॉय, कहां हो तुम बेकार लड़के, आइडल मींस क्या होता है बेटा, बेकार। एक होता है आईडीएल, वो होता है आदर्श, और आईडीएल मतलब क्या होता है, बेकार, वेस्टलेस। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर दिया तुमने, व्हाट विंगटन वुड स्टॉप हिज ड्रीमिंग एंड गेट बैक टू वर्क, और विंगटन अपना सपना जो है वही छोड़ दिया और अपने काम पर चल गया। ही बिलीव दैट समडे थिंग्स वुड बी डिफरेंट, उसने सोचा कि एक दिन तो आएगा जो कि उसका दिन बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा, मतलब रोज उठता है उसकी हेल्प करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि इस दिन से क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब जो वो सपना देख रहा है वो सपना उसका जरूर पूरा होगा, ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो आई होप बेटा आपको लेसन यहाँ तक समझ में आया होगा, रीड दिस लेसन अगेन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड अंडरस्टैंड दिस लेसन अगेन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।